हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पेल वर्ल्ड। और जैसे कि आप सभी को याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैं पिटा था बॉस पेल से और उसी के साथ साथ कुछ नॉर्मल पेल से भी। तो आज सबसे पहले अपन अपने आप को अपग्रेड करने वाले हैं, फिर उन सारे पाल्स को पकड़ के लाने वाले हैं जिनने मेरे को पीटा था और जो मतलब एक तरीके से बॉम्ब की तरह फूट रहे थे उनको। उसके बाद फुल्ली प्रिपेयर होकर अपन जाएंगे बॉस पेल्स के पास। तो आज अपन अपने आप को अपग्रेड करेंगे। और गाइस, इस वीडियो के एंड में अपन ने एक खतरनाक पोकेमोन मारा है जिसको अभी मारना इम्पॉसिबल था। पूरी वीडियो एंड तक देखना, लेट्स गो। ओके गाइस, इस टाइम पे मैं अपने घर पे हूँ और आज मैं सबसे पहले इन सारे सामानों को अरेंज करने वाला हूँ इन तीन चेस्टों में, जो कि मैंने ऑफलाइन में बहुत सारा अरेंज कर दिया था। ये देखो, एक के अंदर मैंने सारे एग्स डाल दिए, एक के अंदर सारे मैंने मतलब प्रीसियस आइटम डाल दिए। मतलब मेरे को पता तो नहीं इसमें प्रीसियस आइटम कौन से, बट हाँ इनके मेरे को यूज भी आ गए, तो आज इन सबका यूज करके देखेंगे। सबसे पहले अपन इन सारी चेस्टों को तोड़ने वाले, तो इन सब में से सारा आइटम खाली कर लेते। वैसे मैंने ज्यादातर खाली कर दिए सारे आइटम, सारी बॉक्सेस खाली है। एक दो में सामान निकलेगा तो निकल जाएगा एट लास्ट में, जैसे इसमें थोड़े बहुत पड़े। ये पाल्स रख देते हैं, ना इसमें अपने सामान नहीं निकले क्योंकि मैंने सारी चेस्ट खाली कर दी थी। अभी इन सबको तोड़ते हैं जल्दी जल्दी। तो ये कैसे टूटेगा, एक ये तो अपने को इनको तोड़ के वुड्स भी नहीं मिलेगी शायद। एक सेकंड, ओके मिल रही है। ओहो, अबे अंडा गिर गया, अंडा उठा। अरे नहीं भाई, ये अंडा क्यों नहीं आ रहा, क्या पता गाइस। अभी जो भी है अपन सामान रख देते हैं, और जो भी अच्छा अच्छा सामान है जैसे कि फ्रूट्स वगैरह है, चेस्ट ही भर गई, ये रख ही नहीं सकते। एक और चेस्ट बनानी पड़ेगी, और ये वजन काई का है भाई। तब मेरे अंदर, अच्छा मेरे अंदर 250 वुड पड़ी है भाई। एक सेकंड रुको, इन सबको लाने दो। और चेस्ट बनानी पड़ेगी मेरे को, जो कि मैं नहीं बना सकता अभी। ठीक है, वुड्स वगैरह तो मैं इसमें रख सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं रख रहा। देखो मैंने एक ही जगह सारी वुड्स वगैरह रख दी। वुड का है, वुड हाँ ये ना वुड। और ये स्टोन देखो, स्टोन देखो कितना है। बाकी मैं ऐसे क्लिक करता रहता हूँ, जो आइटम जाना होगा वो अपने आप चला जाएगा। देखो ओके गाइस, तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना सामान खाली कर दिया। और ये देखो एरिया क्या मस्त हो गया। और इस गेट को भी बंद करना पड़ेगा। मैंने एक सेकंड, अब डिसेबल मोड मेरे को चलाना आ ही गया है, क्यों ना मैं अपना कमरा भी बड़ा कर दूं। चलो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, बट हाँ बाद में बढ़ा लेंगे। रुको देखो, सही लग रहा है ना घर, इतना ही घर ठीक है अपना। इसको भी तोड़ो। और यहाँ पे, अरे यार यहाँ पे मैंने छत भी नहीं लगा रखी भाई। एक सेकंड रुको, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगी एक छत और आएगा एक मतलब दरवाजा तो नहीं लगा रही इस बार, क्योंकि यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। सारे पेट्स जब बाहर ही सोते तो अंदर क्यों एंट्री करें। तो अभी ये रहा अपना घर। अभी अपने पास बेड नहीं है, बेड और लगाना मेरे को, बेड कहाँ मिलेगा। ओके अपना बेड बन चुका है, अब यहाँ आके सोएंगे, इतना बड़ा एरिया है अपने पास। ओके सबसे पहले मेरे को अपग्रेड करना है खुद को, वो खोलूंगा। मेरे को कुछ ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो फैंसी आइटम हो, वो सब बाद में देखेंगे। बाकी मैं इसकी शेडल भी खोलने वाला हूँ। ओके मेरे पास सारे टेक्नोलॉजी पॉइंट चले गए। ये एंशियंट टेक्नोलॉजी भी इधर भी तो है। मेगा गैपिंग गन, गाइस अपन ने गन तक नहीं खोली है, बट ये खोल क्यों नहीं पा रहे। अच्छा ये इंगट्स भी लेंगे, ओके मैं समझ गया हूँ। एग इंक्यूबेटर, क्या इसके अंदर एग रखने होते हैं अपने को। तो पहले इलेक्ट्रिक वाले को रखवा के देखते हैं, क्या पता क्या मिलेगा गाइस। अभी 39 मिनट लग रहे हैं टू सेट द एग। ओके एग तो सेट है, अब क्या इसमें से बच्चा निकलेगा। सीम्स जस्ट अ लिटिल कोल्ड, गाइस को ठंडी लग रही है, आग दे रहा हूं मैं आग, गर्मी गर्मी, क्या पता गाइस ये कैसे होगा सही। छोड़ो गाइस, अभी अपन चलते हैं आगे। और एक और अगर अपन लगा सकते हैं ये, तो ये लगा देते हैं। इसमें एंशियंट सिविलाइजेशन पार्ट जा रहा है, बट रहने दो यार, ये एक एक ही लगाते हैं क्योंकि अपने पास एंशियंट पॉइंट्स भी बहुत सारे पड़े हैं। और बाकी मैं गन अनलॉक करने वाला हूं अभी। इसमें क्या है, मेगा गैपलिंग गन। ठीक है गाइस, मैं ये अनलॉक करने वाला हूं। सबसे पहले तो नॉर्मल गन के, अब ये गन बनेगी कैसे, गन साथ वेपन वाले टेबल पे बनेगी, बट अपन ये बना। ओके इसके लिए भी अपने को 40 इंगट चीज के अंदर होगा क्या लार्ज टूल बॉक्स में। चलो पहले तो अपन वेपन वर्क बेंच में देखते हैं अपनी। ये गन अनलॉक हो गई है, जिसके लिए 7 इंगट चाहिए। और इसके लिए मैं हाई क्वालिटी पाल ऑयल ले आया था ऑफलाइन खेलते में। गाइस पाल ऑयल इससे मिलता है, देखो ये जो है ना इसका नाम है वुली पॉप। अभी सबसे पहले मेरे को इंगट इकट्ठे करने, तो इंगट के लिए मेरे को ये तोड़वाना पड़ेगा भाई। ओए मोटा दादा। ओके गाइस, अभी ये अपने को बहुत सारी कॉपर लाके दे देगा। बाकी मैं अपने एग को देख के आता हूं क्या चल रहा है भाई एग में। ठीक है चलो, जो भी चल रहा है बढ़िया है। अपन यहां से उठाते खाना और सबसे पहले इसको तोड़ते हैं भाई। अभी गाइस अपन ट्राई करते हैं ये जो फ्रूट्स लाया था मैं, इनसे क्या होता है इसको देखने का ट्राई करते हैं। जैसे ये आइस का कुछ तो है, अगर अपन फायर वाले को ये आइस वाला खिला दें तो क्या अपने को वो फायर और आइस दोनों छोड़ेगा, तो देखते हैं बाकी ये क्या क्या काम करते हैं। एक एक सारे फ्रूट्स ले लेते हैं अपन। ओके तो अभी मैं देखने वाला हूँ मेरी पार्टी में कौन कौन है। गाइस इनको देख के खिलाना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन आ रहा है रुको, ये शायद ग्राउंड वाले के लिए, इसको खिला के देखते हैं। ये विंड्स ऑफ डेथ है, बट मैं ये वाला फ्रूट नहीं खिलाने वाला इसको। इसको फ्लेयर स्ट्रोम आती है, शेडो बूस्ट आता है और डार्क बॉल आती है इसको। ठीक है ये सारी इसकी एबिलिटीज है। एक सेकंड रुको, ग्रास टोर्नेडो बनाना सिखा सकते हैं इसको शायद अपन। एक सेकंड, फ्रूट्स को सबको नीचे रखते हैं। मेरे पास ये 5 फ्रूट्स हैं, इसमें से ये 3 ग्रास टोर्नेडो सिखा रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इसी को खिलाना चाहूंगा। इसका अटैक इतना ज्यादा है, तो इसको मैं खिला दूं कि नहीं खिलाऊं, मेरे को ऐसा लग रहा है लेकिन मैं खिला रहा हूं। ओके लर्न अ न्यू स्किल्स,
सीड मशीनिंग गन। मैंने गाइस खिला तो दिया है उसको, क्या फायदा हुआ जरा देखें। कुछ भी शो नहीं कर रहा है इधर, ऐसा क्यों? अरे नहीं भाई, इनमें भी अलग अलग है बे। ये विंड कटर है, ये ग्रास टोर्नेडो वाला है। अब सीखा कि नहीं सीखा उसने, ये कैसे पता पड़ेगा? मैंने ले रखा है विंड कटर वाला, तो अगर मैं ये भी इसको खिला दूं, नहीं विंड कटर वाला मैं इसको खिलाना चाहूंगा। एक सेकंड, अगर इसको मैं खिला दूं, ये जो 30 लिखा रहा है ये बढ़ जाएगा क्या? नहीं ये खा ही नहीं रहा। ओके इसके पास है इसलिए खाएगा ही नहीं। इसको खिलाएं। ओके इसको एक और फ्रूट खिला दिया है। ये कुछ छो भी रहा है भाई इसका? यहाँ पे तो एक्टिव स्किल्स में शो नहीं कर रहा। गाइस क्या मैं गलत खिला रहा हूँ इन लोगों को? मैं देखो आज की वीडियो में ही उड़ा दूंगा, फिर तुम कमेंट्स में बताओगे। अरे इधर आ जा भाई, मेरे पास फायर ब्लास्ट भी है, इग्निस ब्लास्ट है, ये किसको खिलाया जाए? ये सब खाने को तैयार है, बट मैं चाह रहा हूँ नाइट विंग को खिला दूं। बाकी ये बहुत तगड़ा हो गया अगर इसने दोनों स्किल सीख ली है तो। बट मैं फायर ब्लास्ट इसको सिखाऊं? गाइस मैं इसी को सिखा रहा हूँ और सीख गया ये। गाइस मैंने इसको इतना अपग्रेड कर दिया, मैं लेके जाता हूँ इसको किसी से तो लड़ाने लेके जाता। एक सेकंड, अपनी टेस्टिंग के लिए अपना बढ़िया चीज है अपने पास, इसी के पास लेके चलेंगे। हर बार टेस्टिंग इसी पे करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा वो है अपना ये मेमत राजा। मेमत राजा जरा इधर तो आओ, तुमसे थोड़ी फाइट कराएं किसी की। कहां गया ये आदमी? एकदम से चला जाता है भाई। रुक जा, मेरे को उतारो, जाइयो इधर जाइयो, जाके अपनी थोड़ी बहुत टेस्टिंग दिखाइयो मैंने जो तेरे को किया है इतना सारा। अरे भूखा है ये आदमी, इधर हालांकि वो हो भी गया अटैक में। ले 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 इसे ले मेरे से। अरे भैया अरे ओके टोर्नेडो आया भाई का। अरे यार जो जो स्किल सिखाई है वो चला के दिखा दे जल्दी जल्दी। देख वो जो इसके पास है ना वही चला रहा है आदमी। नहीं बेटे मारने तो नहीं दूंगा, एक बार रुक जा देख लेने दे मेरे को इसकी स्किल जो आई है मैंने इसको सिखाई आई कि नहीं आई इसके अंदर। अरे यार ये आदमी वही सब कर रहा है जो ये पहले करता था। मर गया मैं, मर गया मैं, जा रहा हूँ घर को भैया सॉरी। अरे भैया आ गए, भग गया भग गया भग गया। मारिए उसको, मारिए बेटे। भैया दो चार बार अटैक करने दू तब पता आएगा कि तू सीखा है कि नहीं सीखा है। अरे यार फायर टोर्नेडो बना रहा है ये आदमी। अरे इधर आजा, अरे मरना चाह रहा बिल्कुल ही एकदम। गाइस यही सब करने में रात बीत गई है, मैं चलता हूँ सोता हूँ। अगले दिन सुबह और थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन करते हैं, और अपग्रेडेशन के नाम पे मैं करूँ क्या मुझे ये नहीं पता है। हाँ एक और चीज पता है ना, अरे यार एक क्यों अपग्रेडेशन नहीं करनी मेरे को पता है। गाइस आज सुबह अपन बनाएंगे गन, गन गना गन गन, लेकिन इसके लिए यार ओर्स नहीं है, और ये ओर्स तोड़ के छोड़ दिया है भाई, लिए उठाने का काम नहीं है तुम लोगों के पास? उठाया भी तो करो इसको। ओके 10 ओर्स बन जाएंगे जहाँ तक है, बट 10 ओर्स में काम चल जाएगा क्या? लेट्स सी। नहीं मेरे को 25 ओर्स चाहिए, मुझे लगना पड़ेगा। गाइस मैं ओर्स तोड़ के लाता हूँ और मिलता हूँ तुम लोगों से कुछ चंद सेकंड में। गाइस ये सारी चीजें मैं लेके क्यों घूम रहा हूँ भाई? अरे मेरा बैकपैक फुल हो गया, अभी मेरे को और छोड़ के जाना पड़ेगा। और इनको किसको खिलाएं? इसको खिला देता हूँ, मोटा भाई को खिला देता हूँ। सैंड टोर्नेडो छोड़ेगा अगर इसको खिला देता हूँ तो, और खिला दिया मैंने। गाइस कुछ तो शक्ति बढ़ेगी इन लोगों की। अपने पास एक और है, ये आइस वाला एक और है, ये देखना मैं भूल गया। आइस वाला अपन खिलाते हैं उस पाड्डे को, वो किंग नहीं है अपने पास। एक सेकंड रुको, और ये ग्रास टोर्नेडो खिला दे देंगे किसी को, छोड़ो। ओके मैंने सारा आइटम तोड़ लिया है, बट मेरे को आधा और छोड़ के जाना पड़ेगा इधर, आधे से ज्यादा छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ है मेरा उड़न खटोला? चल फटाफट चल। गाइज ये देखो इन सब आइटमों को यहाँ रखते हैं, जिससे कि अपना बैकपैक जो फुल हो रखा है वो नहीं होगा। गाइज कुछ तो हुआ है, एक सेकंड, बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है, शायद रेड हो रही है। ओके छोड़ो रेड को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ये जो है ना ये बंदा ये आइस छोड़ता है, तो इसकी जो एचपी है वो देखते हैं एक सेकंड को। ओके ये अटैक में ज्यादा बढ़िया नहीं है यार, बाकी इसको आती होगी शायद, जो आइस वाला मैं इसको खिलाना चाह रहा था। एक सेकंड क्या हो गया, तुम इतने घबराए हो क्यों भाई? सस्ते लोग आते, टेंशन नहीं लो, तुम भी क्या याद रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे लोग मैं बाहर उतार देता हूँ। जैसे अब मेरे पास जो फ्रूट था ना वो सिखाता है आइस मिसाइल, इन सभी को सिखा सकते हैं, और किंग पासा को मैं सिखा दूं। किंग पासा पासा पलटने काम आएगा। चलो ठीक है छोड़ो, अभी क्या हो रहा है भैया? अरे क्या हो गया, एक बार में खत्म कर दिया इन लोगों ने। द एनिमी हैज बीन डिफीटेड, मैं तो बोला ही था तुम इतना टेंशन लेते हो फालतू में, इधर उधर घबराते हो। गाइस मेरे को गन बनानी है फिलहाल के लिए, इसके अंदर अपना सामान खाली करा देते, जैसे कि हो गया ये 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 खाने का आइटम, इसको रख लेते बस, और बाकी ग्रास टोर्नेडो वाला अपन फ्रूट खिला देते अपने मोटा भाई को, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएंगे। बाकी मैंने सारे फ्रूट यूज कर दिए, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं, बट मैंने हाँ यूज कर दिए। अभी जो है अपने इंगट बन गए सारे, अभी मैं बनाने वाला हूँ मस्केट, और इसका डैमेज वगैरह अपन को देखना पड़ेगा। स्टार्ट प्रोडक्शन, आराम आराम से बनेगा गाइस, बना के मिलता हूँ। ओके अपनी गन बन गई है, और अब मैं इसको यूज करने वाला हूँ। इसको रखो फायरबो की जगह, और अभी इसको कहाँ टेस्ट करके आए? अरे इसको ऊपर 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 मोटा भाई, अबे एमओ वेमो है कि नहीं? मैं फालतू में ले जा रहा हूँ। 1000 का है इसका, एक बार में अगर 1000 हटा देगा तो 4 गोली का ये मैं मत, तो इधर ये साढ़े नहीं 4 गोली का नहीं 7000 की एचपी भाई। नहीं नहीं बेटे तेरे को आ गया मारने में, सिर्फ 4 गोली मारूंगा तेरे को, 4 गोली देख तेरी कैसे गुद्दी लाल करता हूँ। मेरे को 8 का डैमेज, मेरे को पता था, मेरे को पता था झोल बाल करती। पागल बनाया, पागल बनाया, आई एम सॉरी।
भैया क्या हो गया, गुच्छा हो गया? गाइज मैं कैसे जीतूंगा, 1000 का अटैक बताया इसने, 1000 का। ओके गाइज इसमें मैं 200 गोलियां चला सकता हूँ, बाकी फिर या तो ये शायद रिपेयर मांगेगी या तो मुझे नई वो बनानी पड़ेगी। अभी गाइज छोड़ो, मैं जाने वाला हूँ उस नई जगह पे जो मैंने इससे पिछले वीडियो में एक्सप्लोर करी थी, जहाँ के नॉर्मल पाल्स भी मेरे को मार दे रहे थे। तो अभी मैं लेके जाने वाला हूँ अच्छे अच्छे पेट्स जिनको मैंने अभी अच्छी अच्छी स्किल्स सिखाई है, तो उसके अंदर ये शायद इनफ होंगे। एक मोटा भाई को लेके चलते हैं, मोटा भाई भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है। मेरे पास मोटा भाई की शेडल अनलॉक हो गई है, तो मैं मोटा भाई से भी काम चला सकता हूँ। मोटा भाई की शेडल बनेगी यहाँ पे। इंगट चाहिए गाइज, इंगट बना के आता हूँ मैं 2 मिनट को। ओके गाइज अपने 12 इंगट्स तो बन गए हैं, अब से मैं बैठ के जाया करूंगा अपने मोटा भाई पे। कहाँ बैठा है इसने, कहाँ बैठा? रे रे भाई मैं यहाँ गुड़क गुड़क गया तो यार, चल बहुत धीरे रहा ये आदमी है, और आगे का कुछ दिख भी नहीं रहा है भाई। गाइज प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, अपना उड़न खटोला सबसे बेस्ट है भैया, उड़न खटोला लाओ इधर। आज मैं जाने वाला हूँ उस नई वाली जगह पे और सबको पकड़ के लाने वाला हूँ, रुक जाओ तुम बेटे। और मेरे पास बॉल्स है कि नहीं ये तो मैंने देखी नहीं यार। गीगा स्फीयर है, मेगा स्फीयर्स भी नहीं है, क्यों फालतू में गीगा स्फीयर्स वेस्ट करूं मैं? इससे अच्छा है ना कि मैं मेगा स्फीयर्स बनाए ले जाऊं, क्योंकि ज्यादा बड़े भी नहीं है वो पेट। अपन ने 5 गीगा स्फीयर्स बना ली है और कुछ सिंपल स्फीयर्स भी बना लेते हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। 22 पाल स्पीयर्स लेके चलते हैं, जो भी 15 लेवल से कम वाले होंगे उनको इसी में पकड़ेंगे, बाकी स्पीड देखो तुम बनने की। चलो गाइस लेट्स गो, अभी अपन चलते हैं इस जगह पे, क्योंकि वो इस जगह पे कहीं था। ओके ये रही नई जगह, इस पूरे एरिया में कुछ तो नए नए पेट्स है, मैं यहाँ जा रहा हूँ। अभी गाइस देखो तुम्हें भिड़ते ही दिखेंगे, ये रे नहीं अभी, ओके ये रे देखो गॉबफिन नाम से ये, नहीं शिट छोड़ क्यों नहीं रहा मैं पेट, लेना डरता थोड़ी तुम लोगों से। लेकिन यार ये देखो कितना गंदा मार रहे हैं, 1 सेकंड क्या इनने खत्म कर दिया मेरे पेट को। अबे चलना यार, और इसको फायर कुछ तो अटैक आ गया, फायर अटैक आ गया, देखो अभी तुमने देखा वो भाई भगले यार, प्लीज भगले, क्या कर रहे हैं ये और क्यों कर रहे हैं ये, इतने तेज कौन मारता भाई। ओ शिट ये यहाँ भी आते जा रहे हैं, मेरे को भागना पड़ेगा। मेरे को इनके लिए वाटर वाले पाल्स लेने चाहिए थे, लेकिन मैं शायद लाया नहीं वाटर वाले पाल्स। ओके मेरे को पता है मेरे को कौन से पाल को लाना, भागो 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 उनसे लड़ो भाई, मेरे से मत लड़ो यार प्लीज, थोड़ी देर मेरे को चल जान दो, मेरे को मत करो, मम्मी मर जाएगा भाई। 1 सेकंड मेरे को सोने दो भाई, वाटर वाला पैट है वो ये रहा और बहुत बढ़िया मारता है, अगर वाटर वाले पैट्स में इसने नहीं जीता ना। ओके पैट्स कहाँ है वो रे, मतलब पैट्स कह रहा हूँ मैं, ये पैट नहीं है साले, आराम हो रहे हैं, मैं छुपा ही रहूंगा भाई, मेरे बस की नहीं भाई इनसे लड़ना। तेरी भैंस की देखिए ये देखिए, मैं गन नहीं लाया क्या, मतलब एमो लाया तो हूं तेरी भैंस की, शिट मैं यही मरूंगा भाई। ये पाल्स हैं कि शैतान के बच्चे हैं भाई, क्या कर रहे हैं, कैसे मारूं इनको, मेरे से ये नहीं मर रहे, मैं बॉस पेल्स लेने चला था भाई। मैं गाइस ये 2 पेल्स और पकड़ के लाया था, और स्वीपा ये मतलब पापा हो गया इसका, एक तरीके से मुझे भी आ रखी भाई की, ये ऑफलाइन लेके आया था मैं, रुक जाओ 1 सेकंड इनको लेके चले क्या, मेरे को फटाफट से यहाँ जान दो, मेरी तिजोरी लेनी है मेरे को, जल्दी लोड हो जा भाई, आ गया कोई तो आ गया। अरे बेत तुम्हारी यार, लेकिन अब लूं भी तो कैसे, ये भी तो समस्या आ गई है। लो 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 बगल में खड़ा है, बगल में खड़ा है, जो भी है बगल में खड़ा है वो, भाग मैं जा रहा हूँ ब्रो, मेरे को लड़ना ही नहीं तुम लोग, देखना ये दोनों लड़े पड़े, 1 सेकंड इसको छोड़ के देखता हूँ। ओके पूरा मार दे यार इसको, मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, अपना पेट मर गया भाई, मैं इतना ऊपर चढ़ के क्या उखाड़ लूंगा, और साले हाथी के बच्चे ब्रो दोस्त बनेगा, मेरे पास बॉल्स नहीं है लेकिन ये मारो, ए भैया बावले हैं भैया, नीचे जाओ तुम, नीचे वालों को मारो, तू रुक जा बेटे तेरे को मैं ही मारूंगा। ओ रॉबिन बिल काम कर रहा है, इधर आइए इधर इधर, उसकी एचपी देखो, मेरे को नीचे जा। गाइज समझ में आ गया मेरे को किसको छोड़ना है, अगर रॉबिन पुल इज द बेस्ट, तो आना तुम्हारी जी में जंजाल नहीं कराना मैं, देखो मैं बताऊं गाइज मेरे को मेरी पजामी बना के लेके जानी पड़ेगी, बाकी अपना पेट रेडी हो गया है गाइज। ब्रिकॉन वाज बोर्न कहां पे है भैया? ओके गाइज इसके अंदर से अपने को नए नए पेट्स मिलेंगे, मैं इसको पहले तो वो स्पॉन कराने वाला हूं, लार्ज एको इसको रखते हैं यहां पे, इसको भी आधा घंटा बता रहा है, ठीक है इसको होने दो, अपना एक पेट तो आ गया है, इसको देखते हैं कहां आया है ये रहा, इसका अटैक 109 का ही है, बट हां फर्स्ट लेवल का भी तो है ये, देखें तो कैसा दिखता है, इसकी जगह पे आ जा। ओके ओ ये चील जैसा है, इधर आ ब्रो तू बड़ा कैसे होगा, करा क्या रहा है आदमी। ओके ये कुछ काम नहीं करा रहा, ये उठाने का काम कर रहा है, मतलब सामान इधर से उठा के उधर रखने का, ठीक है फिर तो मतलब ऐसे ज्यादा काम के तो नहीं है, बट ठीक है अपने को चीज मिलेगी अच्छी बाद में, ये अपग्रेड हो रहा है, हो गया अपग्रेड, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है तू अपग्रेड, कहां है ये आदमी कहां है, देखो इसका डैमेज भी बढ़ गया अपग्रेड होते ही, ये बढ़िया चीज है, फिर ठीक है फिर चलते हैं अपन। इस बार मैं रॉबिन क्विल छोड़ने वाला हूँ, लेट्स गो फटाफट से चलते हैं, रॉबिन क्विल छोड़ते हैं, अपना सामान उठाते हैं ब्रो, मार जो आ रहा है उनको मार, मेरे को एक बार सामान ले लेने दे, सामान मैंने सारा ले लिया है, बाकी हो गए ये लोग तैयार, मार बेटे मार, बाकी इसके लिए अपने को लगेगी मेगा स्फीयर, बैठ जाता हूँ मैं, क्या कर रहा है ये, आजा
तुम्हारे भाइयों को ले जाऊंगा सबको मैं। पालो बकवास मत करना मेरे से। मैं मर गया यार। गाइस एक पकड़ में आ गया है 22 लेवल वाला और इसका 260 का डैमेज। ये फिर मेरे जी को मार ले रहा था ये। गाइस जैसा भी है इसको लेके जाने वाला हूँ मैं। ये भी लेके आया था मैं। हाँ ये पता नहीं बहुत सारे थे इसलिए बहुत अच्छा फाइट कर पा रहे थे। बाकी इनमें ऐसा कुछ ज्यादा तो लग नहीं रहा है। ये जो भी है ठीक है। एक रॉबिन कोइल और ले जाता हूँ क्योंकि रॉबिन कोइल अच्छा हमला कर रहा है उनपे। बाकी अपन ने वो पैट तो पकड़ लिया है। डन अपना एक पैट आ गया है और अगर इन्हीं पैट पे इन्हीं का हमला करें मैं देखता हूँ अभी। ओके ये ले जा लड़। मेरे को अपनी बेटी लेने दे। अबे ये डर के भाग के क्यों आ गया? भाग 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 यहाँ से। ब्रो यहाँ से भाग ले। किनसे लड़ रहा है आदमी? वापस नहीं मरना भाई मेरे को। भाग जाओ यहाँ से। इसको तो बुला लेते हैं वापस। अरे हाँ जा 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 तू लड़ जा भाग जा। अल्लाह मारने को उतारू है भाई ये लोग। इधर आ जा अबे खुदी में मर पड़े क्या वो? इतनी एचपी कम कैसे उनकी? रुको मेरे को खाना खाने दो जब तक ये अपने पहलवान लोग आ रहे नीचे आगे। जो क्या चाहिए तुम भाई? फौज है भाई इनकी। रुको इसको यहाँ छोड़ के जाते हैं। इनसे लड़ने दो इसे। अरे पागल सा है क्या? थोड़ा सा मर। अरे यार मरूंगा यार। नहीं लूं पंगा भाई इनसे। नहीं लूं क्या? नहीं लड़ना इनसे। मेरे को बॉल उठाने दो मैं भागूंगा। मतलब अपनी पेटी उठाने दो। पर आगे के जो नए नए पेट्स है ना देखो मैं वो तो दिखाता हूँ। वो भी बहुत सही सही पेट्स हैं। पाल फ्लूइड मिला एक इनसे। ही गंदे लोग हटा लो लड़ो इनसे। मेरे को जाने दो बटिया। मर गया। इनको खत्म कर। दोनों को खत्म कर दे भाई। ये नहीं है चिरान साले। बॉल है रॉबिन क्विल खत्म हो गया बे। मारियो साले को मारियो। ओके ये भी सही था। मेरे को मेरी पेटी ले लेने दो बस और वापस जाके मेरे को रिकवर हो जाना दो। साला बकता हुआ यहाँ को आ रहा है। इसे मार। कहीं भी चला गया बट मैं चला गया। अबे गेम बंद क्यों हो गई? आवाज बहुत तेज आ रही है। मैं वापस गलत जगह तो आया हूँ बट मेरे पास मेरा सारा सामान है। ओके नाइस। ये इनको लेना है मेरे को अब। ठीक है एक मैंने वो तो ले लिया। हटाओ मुझे जान दो मेरे घर पे। मैं अपनी ड्रेस रिपेयर कर लेता हूँ फटाफट से और वापस जा रहा हूँ क्योंकि मेरा ये ही टूटा है बस। ड्रेस की बैंड बज गई थी मेरे। बाकी इसको हाँ ये रिपेयर होने के लिए पाल ऑयल लगता है। ओके और एक इंगट लगता है। ठीक है ये सब तो मैं ले आऊंगा। अभी चलते हैं डायरेक्ट आगे क्योंकि यहाँ उतरने से मतलब नहीं है। यहाँ बहुत सारे वो चिराग यहाँ चल रहे हैं। ये देखो ये इसकी जगह पे एक नया बंदा आ गया और मेरे पास क्या ए ड्रेस पहन ले भाई। ईर वगैरह सारी चीजें बाहर निकाल ले पीटने के काम आएगी। और सबसे पहले मैं इसको छोड़ना चाहूंगा यार। रॉबिन कोइल अपना पूरा खत्म है। एक रॉबिन कोइल नहीं लाया अपन। ये वाला एक है और है। ये ही अटैक करेगा अब शायद क्योंकि पास में आके अटैक कर रहा है और इसको हवा में उड़ा दे रहे हैं इतनी देर में तो। नाइस ये लीफ वाला कुछ तो होगा शायद। और यहाँ पे किसकी फाइट चल रही है? ओ इन किंग क्वींस की चल रही है। देखना ये फट जाती है भाई। इनको ले तो ले कैसे? ओके अटैक हों दो अटैक हों दो। उसको मत मार देना पूरा। फट गई। इसको भी मारने को ही आ गया क्या? इधर आ जा तू इधर आ जा। रो रुक कहाँ जा रहा है? अरे चचा रुको जरा। दूसरी गीगा बॉल है ये मेरी। भाई यहाँ कितने ब्लास्ट हो रहे हैं भाई। यहाँ क्या हो रहा है? अरे भाई क्या चाहिए तेरे को? साले नॉर्मल बॉल से आके मानेगा क्या? अब मेगा स्फीयर छोड़ूंगा इसके ऊपर। जब क्या ज्यादा इज्जत देते हो तो लोगों को ओके रास आ गई भाई को। बोलेगी साला मेरे को मेगा बॉल में कैद करेगा इससे अच्छा मैं वैसे ही आ जाता। मेरे को हनी मिला ना। इसने एक हनी को मारा मतलब क्योंकि जब खुद ब्लास्ट होते हैं तो नहीं मिलता हनी। अपन मार सकते हैं इसी के साथ साथ कैच भी कर सकते हैं। हनी भी मैं लेके जाऊंगा कैसे ना कैसे तो लेके जाऊंगा। खाना खिलाता हूँ पहले मैं सबको। एक और नया पेट आया है अपने पास। इसका अटैक भी देखेंगे घर जाके बट ये कोई ज्यादा काम नहीं था यार। उड़ जा रहा था बार बार। अभी और कोई यहाँ पे नया पेट है कि मेरे को मेरी सवारी निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं सवारी के नाम पे यही लाया हूँ अभी फिलहाल जिससे कि मैं थोड़ा सा तो ऊपर हो गया हूँ। और अरे यार मारियो सालों का मुझे करंट ना दिया करो। मेरे पास इतने अच्छे अच्छे पेट है इनको ये देख लेंगे। तो खुट गई एक बार में खुट गई। आ जा ब्रो आ जा तू मेरे साथ आ जा। छोड़ उन भंगियों। ओके मेरे को मिल गए दो पेट नए और ये शायद ही ग्रुप में ही रहते हैं तो इनको ग्रुप में धोना पड़ेगा। और बाकी मैं ऊंचाई पे भी हूँ तो ये मेरा थोड़ा सा एडवांटेज। और मैं ऊंचाई वाला ये छोड़ने वाला हूँ। हवा में पड़ेगी इनको। कुछ नहीं बिगाड़ा गीगा स्फीयर निकाल के रखते हैं अपन। या फिर मेगा स्फीयर नहीं गीगा स्फीयर नहीं मेगा स्फीयर नहीं कर रहे खर्च इन पे ज्यादा। अबे पूरा मार। अरे यार बावला है क्या यार तू? यार कहाँ से आ रहा है? ये बैठा नीचे बैठा है। एक और छोटा सा अबे पूरा मार दिया यार क्या भाई। आज अपनी सवारी वापिस चल। गाइस छोड़ो इससे अपन नहीं चल रहे हैं। इसको उतारो नहीं अपन पैदल ही चलते हैं। बहुत धीरे चल रहा था भाई। बाकी ये अपने को और मिल गए हैं ऐसे। अबे यार गुस्सा हो गए क्यों भाई? फालतू में ही पंच मार दिया इसने। अरे यार नहीं भाई आज वापिस आ जा। फालतू में मत लड़े। लड़ना है तो यहाँ से लड़। मुझे भागने दो। अपन किसी के तो घर पे आ गए। इधर आ जा ब्रो। अब वो नहीं आ पाएंगे। आएगा क्या तू? तेरे पे गन टेस्ट कर लूं मैं। अरे रे रे खतरनाक आदमी है भाई। इधर हुआ का हुआ चचा डर गए छोड़। अरे डरते छोटे मोटे लोग डर जाते यार। इसमें गन की एमो काम नहीं कर रही है या तो मेरे को गन चलानी नहीं आ रही है। मुझे एक एग मिला है। क्या हो गया भैया आ रहे हैं क्या पीछे पीछे? आ तो नहीं रहे। फिर इतनी हॉरर साउंड क्यों चला रखे? मैं ऊपर चढ़ पाऊंगा? कोई ऑप्शन नहीं ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि मैं वापस इतना पीछे जाना नहीं चाह रहा इतना ऊपर। गाइस मैं मैप के
के एंड पे नहीं आने वाला हूँ, मैं बहुत लंबा है, यहाँ एंड कर रहा है। क्या अपन ऐसे मैप में सीधे सीधे चल जाए? ओके, 100 मीटर पे एक अपने को वो शो कर रहा है, कोई तो ईगल है जिससे अपन टेलीपोर्ट हो सकते हैं, बट यहाँ का ईगल मैंने कब अनलॉक करी? जाइयो लड़ियो, बाकी मैं ये अनलॉक कर देता हूँ, काम आएगा। अरे नीचे पटक दिया यार, तू भी आदमी गजब है भाई, अब कैसे आएगा बेचारा ऊपर है? अब हाँ वेट कर ले वहां पे, चल रहे नीचे नीचे। अरे नहीं एक सेकंड रुको ना, इससे फाइट कराएं अगर अपन तो ये ऊपर ऊपर से मारेगा, और जब अगर ये ऊपर ऊपर से मार देगा तो इसकी थोड़ी हेल्थ के बाद अपन ले आए। अरे रुक जा भाई, ऐसे ना मारिए भैया, वो भैया अच्छे आदमी है यार, हमको नीचे जाना दो थोड़ा। अबे 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 ऐसे कैसे तुमको लेके रहेंगे हम? ओके एक और अटैक गया उसके ऊपर, आ जा इधर आ जा, फालतू के अटैक नहीं चाहिए मेरे को। ओके आ जा प्लीज आ जा यार, ऐसे नखरे नहीं करना, देख इसका है ठीक है, मान लिया मैंने तेरे को, फिर नखरे कर दी तूने। डॉच करेगा बॉल, डॉच करेगा बे, जा एक और मारी उसको बस। अच्छा वो बॉल छोड़ दी थी ना, मेरे को लगा उसके लग जाएगी यार, एक बॉल मार इसके, बॉल ही मारना और कुछ नहीं। अबे नहीं यार मर जाएगा वो आदमी, देख अकेला सा आ रहा है वो, आ जा बस बहुत दे दिया तूने, मैं इसको पकड़ने वाला हूँ गीगा स्पीयर से। अबे भाई जा, अच्छा अच्छा वेट, पहले डरता नहीं हूँ मैं ठीक है, सीधी सी बात है, आ जा या तू चुपचाप हाथ में, या तू मार खाएगा, खाना खाने दो। ओके पकड़ में आ गया गाइस, एक और पेट अपने हाथ आ गया है, और मैं मैप में ही देख लेता हूँ ये पेट कौन सा है जो अपने बगल में है। 35 लेवल का पेट है, कोई मतलब नहीं है लड़ने से। और ये देखो सामने कितने सारे हरे हरे चमक रहे भाई, एक बार बस मेरे को वो चाहिए मेरा उड़न खटोला, सबको पकड़ लूंगा मैं। एक सेकंड गाइस इसको देख के आते हैं, बस देख आना है मेरे को। ओके ये बंदर का बड़ा रूप है, जाइयो लड़ियो, खड़ा हूँ बाकी मैं यही खड़ा हूँ। तो गया वो आदमी, 2000 की HP, 4-4 का डैमेज। मार कब दिया मेरे को तो पता भी नहीं पड़ा। अच्छा लोग सो गए हैं। एक सेकंड ये आवाज कैसी थी? मैंने गीगा स्पीयर वेस्ट कर दी गाइस, अभी कोई तो आवाज आई थी भाई, रात में डरावना हो जाता है यार ये गेम। गाइस मैं एक बार के लिए घर जा रहा हूँ, अपना उड़न खटोला ला रहा हूँ, और इस रात में ही वापस यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रात के नए पक्षी पकड़ने, और मेरा उड़न खटोला कहाँ गया? अबे मेरा उड़न ये रहा 23 लेवल का उड़न खटोला, ये रहा, इसको रखो इसकी जगह पे, इसको रिकवर होने लगा देते हैं, और इसकी जगह पे अपन ये ले लें। नहीं ये लेने की जरूरत नहीं है कोई भी, जो अपन नए पेट लाए उनमें देखें किसी को। तो एक ये लाए 319 का डैमेज है, एक ये लाए जिसका 280 का डैमेज है, तो अपन ये वाला लेके चल रहे हैं, ये पैन किंग की जगह पे हैं, ले जाया जाए। 280 का डैमेज है यहाँ, इसका डैमेज 319 ठीक है। मैं जा रहा हूँ वापस से वहीं पे, ये देखो कितनी बड़ी जगह है, यहाँ तक मैंने अनलॉक कर दी, कितनी बड़ी जगह अनलॉक कर दी, इसी एक ही लाइन में जाया जा रहा हूँ, अपने को कहीं और भी जाके देखना चाहिए, बट एक बार के लिए यहीं चलते हैं क्योंकि रात हो रही है, और मैंने वहाँ पे उसको साउंड सुनी थी। ओके अभी निकालते हैं अपन उड़न खटोला अपना, और यहाँ से उड़ते हैं कुछ दूर सामने की साइड, जहाँ पे नीचे खाई खाई है भाई। ओके मेरे को सामने कोई तो टेंट दिखा, और यहाँ पे क्या पता यहाँ का कोई अच्छा पक्षी अपने को दिख जाए, और ये ग्रीन टेल, रुको एक सेकंड रुको, मेरे को नए पाल्स मिले गाइस, देखो ये रहे, एक सेकंड हाथी है भाई, शक्ल देखने दो इनकी, हाथी नहीं है, ग्रीन टेल नाम से हैं गाइस, इनको मारने दो, ये ही छोड़ते हैं। ओके डन, लड़ाई हो गई है। हाँ कहाँ मार रहा ब्रो? अरे यार नीचे गिर दिया क्या कबूतर, इसको कबूतर भी नहीं बोल सकता भाई, कबूतर ये सही। ये नीचे क्या है, वो क्या है समुद्र में, नीचे लेके चलिए जरा, ये दो ये क्या चीज है, अबे खत्म ही कर दिया इसने, या फिर ये नीचे गिर के मर गए हैं? ओ भाई नीचे गिर के मर गए यहाँ तो, ये क्योंकि बहुत नीचे था ये। कोई बात नहीं गाइस, सामने मेरे को एक टावर मिल चुका है, बाकी दिन भी होने वाला है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने एक वो भी तो देखा था, ठग लोगों का टापू, यार वहां जाना रह गया। गाइस मैंने एक टापू देखा था यार कहीं, तो ऊपर बर्फीला एरिया है, और यहाँ पे सारे गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले खड़े हैं तुम्हारी ऐसे। ये अनलॉक्ड है, मैं हूँ किधर, मैं चल के वापस पीछे आ गया, गजब। ये देखो सामने देखो, ये ग्रीन ग्रीन सा कुछ तो चमक रहा है, बाकी कौन अपने पे। ओके ये मधुमक्खियों की रानी मिल गई है, लड़ने दो इसको, इससे पहले इसको खत्म कर। हाँ ये जो फूटता है ना आके भाई, इसको खत्म करने दो, या फिर इसको एक सेकंड इसकी पावर कम कर दो। आजा इधर आजा, फूट गया यार पहले ही फूट गया भाई। मेरे को मत देख, मेरे को मैं उधर पीछे देख, पीछे देख, पीछे गोला आ रहा, गोला बारूद का गोला, गोला होला भैया, क्या हुआ क्या हुआ? दादी दादी अम्मा को अच्छी तरीके से पकड़ेंगे, देखो मैं गीगा स्फीयर निकाल लिया हमने। अरे यार ये लोग अलग आ गए, नहीं इसको इधर आ जा, इसको मत मारो भाई, वो काम की चीज है, तुम समझते नहीं हो क्या बावले लोगों को। अरे उसको मत मार, फोकस ऑन दिस, इसको मार के अपन निकल लेंगे। बॉल वेस्ट करी ना तेरे, ओके आ गई है, आ गई एलिजाबी। अरे भग जाओ सालों, मारूंगा इतना मारूंगा, तबीयत से मारूंगा तुम लोगों को, छोड़ दे आजा।
अच्छा वैसे आइटम भी तो देते हैं। अरे कहाँ मार रहा है यार तू भी यार, ज्यादा कुछ दिया तो नहीं है। फालतू देखो मैं अभी चला गया हूँ, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं, कुछ तो दिया। अरे उतर उतर मार क्या इनको, तू मत मारे, तू क्या अभी काम आएगा। क्या दिया? अरे यार वो फेरो दिए इन लोगों ने यार। ये भाई तू कितनी लेवल का है? तू इसका यार नहीं चाहिए, ज्यादा लेवल का हो तो बात करें। अरे क्यों मार रही है? कुछ सिखा दिया है बस ये फायरबॉल पहले नहीं मारती थी। ओके गाइस मैं भाग गया हूँ यहाँ से, बाकी भैया जी की पावर डाउन हो गई है। ओके एक और रानी साहिबा, बट ये इनको यार मार, ये फूट जाएंगे सारे, फूटने वाले लोग हैं। उतरियो उतरियो, एक सेकंड उतरियो, नेक उतरियो, उतर जरा, मारियो साड़ो को, मारियो जेबात मार, एक दो और मारी, एक दो और मारी भाई, सारी बॉल वेस्ट करा देंगे। ओके इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मारने की जरूरत नहीं है। ये बी गार्ड से शायद, प्लीज प्लीज आ जा, प्लीज प्लीज। ओके गैड गार्ड जो भी है, स्पेलिंग गलत है शायद गार्ड की, इसमें ये भी आ गई। लो मैंने बोला था ना सबको पकड़ के जाऊंगा, सबको यहाँ से। बाकी अब मैंने यहाँ देखा था एक कैंप, वो और ढूंढना है मेरे को, यहाँ मिल गया सामने ये रहा कैंप। एक सेकंड रुक जाओ, उस कैंप में भी कुछ तो बढ़िया सा होगा। लेट्स गो गाइस, मैंने खाना खिला दिया सबको। ये रहा कैंप के अंदर बंद है कुछ तो अच्छा सा पेट, अच्छा ही होना चाहिए मेरे को, दूर से तो अच्छा दिख रहा है क्योंकि इस एरिया का नहीं है, ब्लू कलर का है। इधर छोड़ो लड़ियो जाके, ध्यान भटका ब्रो इनका। ओके कुछ तो नया है, देखो कुछ तो नया है ब्रो, सबको खत्म कर दे एक बार, सबको खत्म कर दे, मैं इसको छुड़ा लूं बस। ओके लेवल अप हो गई है, ओ चीज बढ़िया है, चीज बढ़िया है गाइस, चीज बढ़िया है। आ जा ब्रो, क्या है लेकिन ये समझ में नहीं आई, चीज बढ़िया है लेकिन, हां चीज बढ़िया है। लेट्स गो, और अभी अपन बर्फीले एरिया में आ चुके हैं या फिर नहीं? नहीं नहीं, वोल्केनो एरिया में आ गए भाई, कुछ तो नया मिलेगा यहाँ। मिल गया, मिल गया नया, मिल गया फॉक्स, ये वाली फॉक्स है ना, ये वाली फॉक्सेस हैं। ओके ये भाग रही, ये फॉक्सेस हैं। आगे नई चीज है, हमारी मार साड़ को मार, वो मिलेगा मेरे को, क्या बोलते हैं कौन सी मार दी, हाँ फ्लेम ऑर्गन मिलेगा। ये तो नॉर्मल फॉक्सेस है जो अपने यहाँ भी घूमती है, इनको देखना है। और इसमें जल जाएंगे क्या? मेरा वो वाला पेट लाना चाहिए था गाइस, नदी में जल जाएंगे। वाओ व्हाट अ रियलिस्टिक थिंग, चल ही जाते हैं भाई ऐसा कुछ रियल। कि ये सांड यहाँ पे इतने सारे हैं, भागोगे नहीं तुम मेरे से, तुम्हारे जैसे 10 है मेरे पास, भाग नहीं रहे भाई थोड़े डरपोक। यही तो थे वहाँ पे बहुत सारे, इसका ब्लू वर्जन पकड़ के लाया था मैं अभी ऑफलाइन। मार इसको, मार इसको, मार भाई, अटैक बहुत गंदा करते हैं क्योंकि इकट्ठे हो जाते हैं सारे। एक और मार दे बस, आजा भाई, घी का स्पीयर की जरूरत नहीं, इसलिए वो नॉर्मल वाली निकाल रहा था ना, मार क्यों देते हो इतनी देर में तुम, हाल तुम्हें है? देख तेरी मत पर मार दूं साले, हाल तुम मारने की जरूरत नहीं मेरे को, हाथ भी नहीं लगाओगे मेरे को। जय बात सिस्टम, अभी इनको पकड़ लिया जाए थोड़ा। अच्छा अच्छा दादागिरी, बेटे अब बताऊं तुझको मैं दादागिरी करूं, सारी दादागिरी निकालूंगा। ओके ये आ गई अपने कब्जे में, इधर आ जा, दो मिनट इस पे फोकस कर ले, उसको छोड़ दे, जगह ले मार, अटैक तो देख लें दे, भग रही है यार ये छोरी। अरे दीदी इधर आओ, एक सेकंड मारियो, मारियो इसके एक मारियो। अरे हाँ अटैक अटैक देखना है, छोड़ आजा बाहर, आजा बाहर, आजा चलेगा, एक बॉल की कुर्बानी चलेगी ब्रो, जब इनको बोलो कि बॉल की कुर्बानी चलेगी, जब नहीं भाई चाहते ही नहीं है जैसा मैं चाहूँ वैसा हो, वो कैसे जाएगा। ये बाकी गर्मी बहुत है यहाँ, आए गर्मी। लेट्स गो, इधर की भी मैंने सारे पेट पकड़ लिए हैं, ये भी शायद पेट नया नहीं था जो अभी अभी पकड़ा मैंने, या फिर नया था तुम कमेंट्स में बताओ, मैं देखना भूल गया साइड में। कोई तो सामने लावा सा जा रहा है। ओके मिल गया मेरे को पेट एक नया, इसको भी मैं लेके जाने वाला हूँ। गुस्सा होगी, गुस्सा होगी, पक्का गुस्सा होगी। भागने काहे को लग रही है, इतना भी खतरनाक नहीं हूँ, ये अपने दलबल में तो नहीं जा रही। अरे खतरनाक है भाई खतरनाक, एक और मार, एक और मार, मेगा स्फीयर यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एक और मार दे भाई, भाई डैमेज बहुत दे रही है। अरे मार दिया, गधा है क्या यार। ओके गाइज मार दिया इसने, पर ना ये अपने को मिल सकता था। गाइज ये नगरी बहुत बड़ी है, इसको मैं चाह रहा हूँ अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करना। बाकी ये देखो फ्लेम बेल नाम से भी यहाँ पे कुछ तो अच्छे अच्छे पेट्स हैं, ये अलग है और वो अलग है। गाइज इसको प्रॉपर तरीके से मैं अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करूंगा इसके आगे। ओके गाइज फिलहाल मैं लावा बायोम को छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि लावा बायोम अपन पूरी तरीके से ढंग से एक्सप्लोर करेंगे अगली वीडियो में। ये देखो ये इतनी सी नहीं है, ये पूरा एरिया खुलेगा और यहाँ लावा बायोम यहाँ पे अपने को मिलेगी। अभी अपन जाते हैं घर और देखते हैं जो नए पेट्स पकड़ के लाए वो कितने पावरफुल है, और अपना कुछ अपग्रेडेशन करते हैं जैसे कि मैंने बोला था तुमको। और जो नए पेट्स है जो अपने को वहां मिले हैं वो ये है शायद, है नहीं यार ये मेरे पास पहले भी थे, देखो मैं दिखाऊं, एक सेकंड रुको इसको यहाँ रखो। रूबी है ना, रूबी मेरे को वैसे भी मिल गए थे। देखो गाइस ये मैंने कोई भी नया पेट नहीं पकड़ा है, ये अपने पास पहले भी थे ये वाले पेट। जितने भी नए पेट हैं अभी लावा बायो में वो वहीं पे हैं जिनको अपन अगले एपिसोड में पकड़ने वाले हैं। बट उससे पहले मेरे को ये एक पेट देखना है जो कि मेरे को नया मिला है। लेट्स सी ये कैसा काम करेगा।
सबसे पहले तो मेरे को देखना है ये इसका अटैक, ठीक है, क्योंकि इसका अटैक मैं देख नहीं पाया था, इसको मैंने जेल में से छुड़ाया था। इसका अटैक देख लेते हैं, फिर इसका काम देख लेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वाला बंदा है गाइस, रुको, इसको मार सामने या फिर इसको जा। ठीक है, ओ भाई वो भाग गया, देखो डियर। बाकी अभी मैं देखने वाला हूँ इसका अटैक। ले उखड़ लिया, उखड़ गया कुछ नहीं उखड़ा इस आदमी से। गाइस इस आदमी को अपन उस पेट को मारने ले जा सकते हैं, मतलब उस पाल को मारने ले जा सकते हैं जो वो नहीं था पानी वाला अपन पकड़ के लाए थे, ये वहां बहुत सही काम करेगा। अपन ये वाला जो पकड़ के लाए थे ना, यही है कि नहीं? ये नहीं, नहीं ये नहीं है। अपन एक कोई सा तो बड़ा वाला पकड़ के लाए थे ना, ये इसको पकड़ने में बहुत हेल्प करेगा ये। बाकी अभी बसता है अपना ये एक, इसका अटैक और देख लेते हैं ये भाई साहब क्या करेंगे। ओके आग छोड़ रही है, ठीक है मैं समझ गया, इसका आग के साथ साथ कुछ और भी छोड़ रही है। नाइस, लावा स्पाउट रेड हो गई है। रेड वालों पे फोड़ के देखते हैं ये चीजें कहां से आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। और ये बतख आ रही है क्या इस बारी? हर बार तो वो आते हैं ना गाइस, तो अच्छा ये टोको टोको ही आ रही है स्पेशली। सालों को रास्ते में खत्म कर देंगे हम तुमको, टोकने आए रुको, इनको नए पेट से लड़वाएंगे। अल्लाह इनको मारना है, इनको दो टोको टोको भेजिए मारने वाले ने भी भाई। अच्छा टोको टोको इसलिए तो नहीं भेजे कि इनको पकड़े अपन, क्योंकि ये फटते हैं शायद। ओके नाइस, इसलिए भेजते हैं टोको टोको को कि अपन पकड़ ले। ओके ये तो मेरे बुद्धि में नहीं आई भाई। टोको टोको आ जाओ तुम बिना टोका टाकी करे। गाइस आ गए हैं और मैं मेगा स्फीयर्स वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे तो मेरे पास खदान लगी पड़ी, और की लगी तो नहीं पड़ी बट लगा सकते हैं अपन। कैसे लगेंगी तुम कमेंट्स में बताओ। किंग भैया जरा बाहर आओ, और बाहर आके तुम ये फालतू काम नहीं करने, इधर आओ ये काम करो ठीक है। ये दो और लाए थे अपन ने, बी और ये बी गार्ड, ठीक है। तो इन दोनों का फाइट और देखते हैं, अब इन दोनों का फाइट कहां जाके देखें। और एक सेकंड, ये जो बी गार्ड है ये तो फट जाती है, और भैया जी खुद ही मार खाने आए हैं क्या? आज ले जाना, बस टेस्टिंग, बस ओनली टेस्टिंग, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा मैं। अरे क्या हो गया भैया, डर गए इनका। अच्छा दूर से अटैक करती हूँ, मैंने तुमको इतनी बड़े आदमी के पास भेजा था, तुम मुर्गियां मार के आ रही हो। फूटेगी क्या ये औरत? फूट जाएगी फिर मेरे पास नहीं रहेगी भाई की जी में फूट गई। इसको कहीं ले जाने का मतलब नहीं है, ये आदमी फूट के आ जाएगा बस। ओके ओके वो अपने बेस पे आ रहा होगा, शायद बेस पे आ गया। शिट, गीगा स्फीयर भेज रहा हूं मैं। लो आज अपने सारे पेट्स मरेंगे इंक्लूडिंग मी। ये अपना कोई तो नया पेट अनलॉक हुआ है, अपन इसको देखते हैं, अपन छोड़ते हैं उसको आदमी पर। ओ वो मॉन्स्टर मर रहा है, और ये रात का कोई पेट है, मैं देखा था इसको रात में, देखा था इसको कहीं। ओके कहां गए हाथी भाई? अबे मेहमत भैया पिट गए, मेहमत भैया पिट गए, कैसे? अबे मार दिया भाई, लेकिन ये मेहमत तो पिटेगा। बच सकता हूं, मेहमत को पूरा मत मारना। मैं वापस आ गया हूं भाई, वापस आ गया हूं, खत्म कर दिया क्या? गाइस अगर अपने घर पे आ जाए ये आदमी, कुछ नहीं उखाड़ सकता क्या? इसको तो अपन ले जा सकते थे, कि बस आया ही तो नहीं यार, ये इधर है इसलिए अपन इसको नहीं मार सकते। बट हाँ रियल फाइट तो यही मानी जाएगी, अपन इसको अपने इसकी गाइस अगले एपिसोड में इसको पकड़ दूंगा अगर मेरे घर आया ये आदमी। क्या नहीं जाना चाहिए, आदमी दिख नहीं जाना चाहिए मेरे को। अब जितनी बार आएगा नहीं मैं आसपास घूमेगा, पहले मैं बोलता था ना तुम्हें यार ये अपने घर में आसपास घूम रहा है, इसका कुछ बोल भी नहीं सकते भाई। अब बोल नहीं, अब जी मार लूंगा इस मेजर इंजर्ड है हमारा बेचारा कोई तो नहीं। सो जाओ सब सो। गाइस अपन ने एक नया पेट अनलॉक किया है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक और पेट अनलॉक करने पे लगाते हैं, जो कि होगा इस बार अपना डंप एग डालते हैं, ठीक है। डंप एग से क्या होगा देखते हैं जरा, ठीक है। मैंने डंप एग रख दिया है, जो कि 4 मिनट में आ जाएगा, कोई डंप सा आएगा इसमें से एनिमल शायद। बाकी मेरी पेटी फुल हो गई है, मेरे को पेटियां और बनानी है। गाइस ये वाला पेट ना मेरे को रात में दिखा था, ये रात का पेट है हाँ ये वाला। गाइस ये अपने को एक और पेट मिल गया, इसका मेरे को वो देखना है, रुको। ओके ये भी 1 लेवल का है, 100 का डैमेज है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये भी बढ़ेगा धीरे धीरे। ओके गाइस आज अपन ने सारे वो पोकेमॉन्स पकड़ लिए जिनसे अपन नॉर्मली हार जा रहे थे, मतलब वो बॉस पोकेमॉन्स भी नहीं थे बट उनसे अपन हार जा रहे थे, वो सारे पोकेमॉन्स पकड़ लिए। और अपन ने नई बायोम भी एक्सप्लोर कर लिया लगभग, उसको पूरा अगले एपिसोड में करेंगे। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, अपन ने मेहमत को मार दिया है, लेकिन हाँ चीटिंग भी मान सकते हो कि अपन ने घर बुला के उसको मारा, बट नहीं उसको अपन पकड़ भी सकते थे। तो वो 38 लेवल का हो चाहे 33 लेवल का, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको अपन कहीं लेके जाते सोचो कितना गंदा अटैक करवा सकते थे उससे। तो बस अगले एपिसोड में मैंने सोच लिया अगर मेहमत आएगा तो अपनी जेब में। अगर तुम्हें आज की वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।